असलम डे स्टूडेंट आज हम देखने जा रहे हैं इफेक्टिव डिजाइन कॉन्सेप्ट का आखिरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट जिसका नाम है ऑथेंटिकेटिंग और ये क्या है इसको अभी हम पढ़ते हैं द चिल्ड्रेन लिटरेसी लर्निंग इन्फ्लुस बाई द जेनविनस ऑफ़ द कॉन्टेक्सट इन टू विच लिटरेसी टूल्स आर प्लेसड अब ये द जनविनस ऑफ द कॉन्टेक्स क्या है आपकी क्लास रूम है इसके अंदर आपने मुख्तु प्ले एरियाज़ बनाए हुए हैं और उसमें डेफिनेटली लिटरेसी कॉर्नर भी है और कोशिश आपकी ये है कि लिटरेसी से मुतक़ा जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं टूल्स हैं खिलौने हैं गैजेट्स हो सकते हैं प्रॉप्स हो सकते हैं वो आप बाकी प्ले स्टेशन में भी रखें ताकि लिटरेसी अक्रॉस द करिकुलम या अकरस द आपके जो कॉन्टेंट एरिया है वहाँ पर बच्चे सीख सकें और मुख्तलिफ स्किल्स को डिस्प्ले कर सकें प्रिट प्ले में जनरली और इस्पेसफिकली करके वो दिखा सकें अब इसके अंदर द जनविननेस ऑफ द कॉन्टेक्स कैसे डिवेलप होगा कि वो लिटरेसी के जो टूल्स जहाँ रखे हुए हैं वो जगह जेनविन लग रही हो इसको हम पढ़ते हैं और फिर हमें समझ आएगी कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है अर्ली रीडर को जैसे ही हम एक्सपोज करते हैं घरों में छोटे बच्चों को मुख्तलिफ़ के लिटरेसी टूल के थ्रू जैसे कि वो वहाँ पर पे न्यूज़ पेपर देख रहे हैं अब वो वहाँ पे उनके लिए बुक्स रखी जाती हैं कारपेट्स रखे जाते हैं उनके कमरे होते हैं जहाँ पे उनके लिए किताबें होती हैं स्टोरी पढ़ने की जगह होती है और मुख्तलिफ़म की जो हमारे लेटर्स होते हैं उनके रखने की एक अलग जगह है जो हमारे बिल आते हैं उनके रखने की एक अलग जगह है जहाँ हम नोट्स ले रहे होते हैं या मैसेजेस ले रहे होते हैं उसके रखने की एक अलग जगह होती है इसका मतलब है वो जैन जगह होती है और वो पता होता है कि ये जगह ये चीज़ें रखने के लिए लेटर बॉक्स में डेफिनेटली लेटर्स होंगे कोई ऐसी जगह होगी जहाँ बिजली के बिल ही रखे जाते होंगे कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पे जो आपके इंपॉटेंट इन्फॉर्मेशन है वो रखी जाती होगी उन्हें नज़र आता होगा कि कैलेंडर के यहाँ क्यों पड़ा है और कैलेंडर को किस तरीके से पेरेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो जिस जगह पढ़ा है वो जगह जेनवन जगह है जो कि उस स्पॉट के लिए परफेक्ट जगह है अब हम आगे देखते हैं कि इसका क्या मतलब है न्यूमेन और रॉकस ने हमें तीन ऐसे फैक्टर्स बताए हैं जो कि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और वो क्रिएट करते हैं ऑथेंटिक लर्निंग इन्वायरमेंट क्लासरूम के अंदर ये तीन क्या फैक्टर्स हैं सबसे पहले फैक्टर्स तो ये है कि आप जेन इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए आपने जो भी प्ले स्टेशन बनाया है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी बाउंड्रीज क्लियर हों और उसको देखते साथ ही पता चल जाए कि ये प्ले स्टेशन या ये लिटरेसी कॉर्नर या ये जो स्पेसिफिक कॉर्नर है क्लासरूम का ये किसके लिए है क्या ये साइंस का है मैथ का है आर्ट का है ब्लॉग्स के लिए है या ये लाइब्रेरी कॉर्नर है नंबर टू आपकी जो वहाँ लिटरेसी टूल्स पड़े हुए हैं वो बिल्कुल क्लियरली नज़र आने चाहिए बच्चों को और उसके अंदर उनका एक पर्सनल टच भी होना चाहिए टीचर का पर्सनल टच भी होना चाहिए और वो टूल्स इतने क्लियर होने चाहिए कि पता चल रहा हो कि जनाब ये किचन ही है और ये किचन के ही आइटम है इस तरीके से थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि हम किस तरीके से इसको ऑर्गेनाइज करते हैं क्लासरूम को हमने इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करना होता है अपने कॉर्नर्स को इस्पेशली लिट्रेसी कॉर्नर को लाइब्रेरी कॉर्नर को साइंस कॉर्नर को जो भी हम कॉर्नर्स बना रहे हैं ताकि बच्चों को क्लियरली पता चल जाए कि वहाँ क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं और वो चीज़ें उनकी एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट होनी चाहिए जो बच्चे समझ सकते हों कि ये क्या चीज़ें जो उन्होंने किसी न किसी तरीके से देखी हों या उनके नाम उनको याद करना आसान हो वो उन्हें छू सकते हों वो रियल चीज़ें हों या खलौने ऐसे हों जो रियल लगते हों और उनको इस तरीके से अरेंज किया गया हो कि वो आर्टिफिशियल या सोफिस्टिकेटेड लुक की जगह एक पर्सनल लुक दें जैसे कि बच्चों ने अपने घरों में देखी हैं या जो उनके लिए देखना और समझना आसान है अब हमारे पास स्ट्रेटजीज आ जाती हैं कि हम ऑथेंटिक इफेक्टिव डिज़ाइन कॉन्सेप्ट को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं क्लास रूम को हम सबसे पहले डिवाइड uh, कर लेते हैं छोटे एक्टिविटी एरियाज में जैसे कि अभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं और हर एक्टिविटी एरिया के अंदर डेफिनेटली एक स्पेशल लिमिटेशन होती है एक स्पेस होता है और उसके अंदर उसकी चीज़ें रखी होती हैं चीज़ों के अरेंजमेंट इस हिसाब से होती है और चीज़ें ऐसी होती हैं कि बच्चे क्लियरली समझ जाते हैं कि ये एरिया किस मकसद के लिए जहाँ ब्लॉक्स रखे होंगे जहाँ वुडन ब्लॉक्स होंगे जहाँ पेपर के ब्लॉक्स होंगे डेफिनेटली जहाँ कार्स होंगी ट्रक्स होंगी वो समझ जाएंगे कि ये ब्लॉक एरिया है जहाँ पे पेंट्स होंगे पेपर्स होंगे करियॉन्स होंगे और डिफरेंट आर्ट की और क्राफ्ट की चीज़ें होंगी वो समझ जाएंगे कि ये एरिया इस काम के लिए अर्ली uh, ईयर में हमें इन स्पेसिस को प्रॉपरली डेडिकेट करना पड़ता है और इसी तरीके से बताना पड़ता है यही है जेनवनैस यही है ऑथेंटिसिटी ऑफ दैट एरिया Uh, इससे फ़ायदा क्या होता है इससे फ़ायदा ये होता है कि हम बच्चों को इंक्रेज करते हैं ज़्यादा कोऑपरेटिव बिहेवियर के लिए दे एग्जैक्टली नो कि वो क्या करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ और वहाँ फिर वो डिसीजन लेते हैं कि वी वेन आ प्ले ओवर देयर और टीचर के साथ उनकी कन्वर्सेशन बेहतर होती है क्लास में ज़्यादा क्यास नहीं होता शोर नहीं मचता कि हम क्या करें कहाँ जाएँ या एरिया क्लियर नहीं है और बच्चे जिस भी एक्टिविटी या अपने काम में इन्वॉल्व होते हैं उसमें देर तक इन्वॉल्व रहते हैं उनकी इंगेजमेंट ज़्यादा हो जाती है और वहाँ पे वो खामोशी से अपना प्रोजेक्ट अपना काम अपना आर्ट वर्क अपनी बुक को प्रॉपरली ख़त्म कर सकते हैं असेंशल <tell> करेक्टरिस्टिक <noise> में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है हमारे पास कि स्पैचुअल स्पेस जो हो सकता है और वो फिजिकल और मेटाफॉरिकल क्लूज हो सकते हैं वहाँ पे किस किस्म के होते हैं फिजिकल मेटाफॉारिकल क्लूज़ फॉर एग्जांपल आपने कोई सेमी परमानेंट फर्नीचर वहाँ रख देते हैं या बुक शेल्फ रख देते हैं ऐसी कैबिनेट्स या बुलेट्स रख देते हैं जिनको हिलाया जा सकता है शीशे रखे होते हैं आर्टिफिशियल ट्रीज रखे होते हैं आई इज़ रखे होते हैं एक्वेरियम रखे होते हैं कि तमाम फिजिकल मैसेजेस हैं कि ये एरिया किस खेल के लिए है और किस किस्म के काम यहाँ पे हो सकते हैं मेटाफॉरिकल uh, क्लूज़ के अंदर और भी बहुत सी एक्टिविटीज़ और चीज़ें आ जाती हैं कि हम प्लेसमेंट ऑफ़ फ़र्नीचर कैसे करने के अलावा साइन कैसे इस्तेमाल करते हैं uh, जाहिर है बच्चों के लिए मोबाइल्स भी हैंग ऑन हो रहे होते हैं साइंस हैंग ऑन हो रहे होते हैं उसके ऊपर कोई इन्फॉमेशन लिखी होती है या कोई एरो बना होता है जो बता रहा होता है बच्चों की डिस्प्ले बुक्स होती हैं जो बताती हैं कि ये लाइब्रेरी कॉर्नर है और उस पर रिटन लैंग्वेज जो होती है वो ये बता रही होती है कि ये 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 चीज़ें हैं ये यहाँ पे रखी हुई हैं तो ये जो प्रिंट और लेबलिंग है ये आपके मेटाफोरिकल क्लूज़ भी हो सकते हैं किस तरीके से आप अरेंज करते हैं चीज़ों को ये आपके मेटाफोरिकल क्लूज़ हो सकते हैं जो आप ख़ुद इस्तेमाल करते हैं और फिर बच्चों को इस्तेमाल करना बताते हैं और हर आप प्ले एरिया को बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट रखते हैं स्पेसिफ़िक रखते हैं ताकि बच्चों को एग्जैक्टली पता हो कि वो कहाँ खेल रहे हैं और कौन से आइटम जो वो खेलना चाहते हैं वो किस प्ले एरिया में मिलेंगे इसको हम कहते हैं जेनवरनेस इसको हम कहते हैं ऑथेंटिसिटी कि प्ले एरिया उसका सामान क्लियर कट हो और एग्जैक्ट हो स्पेसिफिक हो जो आप इस्तेमाल करें और बच्चों को पता हो कि ये प्ले एरिया के ये स्पेसिफिक चीज़ें हैं और ये यहाँ पड़ी हैं